तो दोस्तों थंबनेल देख के आपने जरूर सोचा होगा कि मैंने क्यों ऐसा लिखा है, तो कारण जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मनरेगा से जुड़े ऐसे वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि एमजे एनर्जी मोबाइल मोटर सिस्टम ऐप को लॉन्च किया गया था मनरेगा के काम को और भी स्वच्छ और आसान बनाने के लिए, क्योंकि इस ऐप के द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस होता है, आप सभी जानते हैं, जिसकी वजह से डुप्लीकेट मास्टर या फिर डुप्लीकेट वर्कर्स का एंट्री नामुमकिन है। और ऑनलाइन अटेंडेंस के वजह से क्या होता है कि आप पहले मास्टर के एकदम लास्ट डेट में जाके ऑनलाइन अटेंडेंस को फिलअप करते थे, फिर FTO जनरेट होता था और पेमेंट प्रोसेसिंग होता था। लेकिन ओनली इस ऐप के द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस डे बाई डे फिलअप होता ही रहता है, इसकी वजह से क्या होता है कि पेमेंट प्रोसेसिंग में भी काफ़ी आसानी होती है और क्विक प्रोसीड्योर होता है। और ये तो सब ऑलरेडी इस ऐप में ये सब फीचर है, लेकिन और भी दो नए और अच्छे फीचर आगे के दिन में आने वाला है। पहला है, इस ऐप के द्वारा आप डिमांड भी कर सकते हैं, मतलब आप पहले जब 4A फॉर्म फिलअप करके जमा करते थे पंचायत में, वही काम अभी आप इस ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं, डिमांड जनरेशन आप कर सकते हैं इस ऐप के द्वारा। और दूसरा पॉइंट है, इस ऐप के द्वारा आप एलोकेशन भी आप कर सकते हैं, मतलब कि वर्कर्स को काम प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो ये दोनों फीचर आगे के दिन में आने वाला है, जो इस ऐप को और भी अच्छा बना देगा। और एक्चुअली में कहें तो इस ऐप के लॉन्च होने की वजह से काफ़ी हद तक मनरेगा का काम और भी स्वच्छ हो चुका है और आसान हो चुका है। लेकिन वो कहते हैं ना, चांद में भी कलंक होता है, उसी तरीके से इस ऐप में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं शुरू के दिनों से ही। कई बार दिखाता है कि अटेंडेंस अपलोड नहीं हो रहा है, कई बार दिखाता है कि अटेंडेंस ऑलरेडी अपलोडेड, और कई बार दिखाता है कि नॉट ऑथराइज्ड यूज़र, मतलब उसका मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है लेकिन फिर भी अनऑथराइज्ड यूज़र दिखाता है। कई बार मास्टर डाउनलोड नहीं होता है, कई बार आफ्टरनून फोटो में मास्टर शो नहीं होता है, ऐसे कई तरीके का प्रॉब्लम डे बाई डे आता ही रहता है इस ऐप में, जिसकी वजह से इस ऐप में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है काम करने में। पिछले कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ चुका है, जो काफ़ी इरिटेटिंग है और काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो मैं यहाँ पे पंचायत मंत्रालय से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर प्लीज़ इस ऐप को थोड़ा स्टेबल बनाइए और इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये ऐप ठीक तरीके से काम करने लगे, ताकि जिस उद्देश्य से, जिस टारगेट से इस ऐप को लॉन्च किया गया था, वो टारगेट फुलफिल हो सके। नहीं तो अगर इसी तरीके से प्रॉब्लम आता रहता है तो ये ऐप होके भी ना होने के बराबर है, ये आसानी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है अभी पिछले कुछ दिनों से। तो आपकी क्या राय है इस ऐप के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हम पॉजिटिव दिक को ज़रूर देखेंगे और पॉजिटिव थिंकिंग रख के हम यही सोचेंगे कि आगे के दिनों में ये ऐप और भी अच्छे तरीके से काम करने लगे और जिस टारगेट से इस ऐप को लॉन्च किया गया था वो टारगेट फुलफिल हो सके। तो यही आशा रख के मैं आज के इस वीडियो को एंड करूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।